हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीक्षा ब्लॉग। होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज और मैं आ चुकी हूँ गांव छठ मनाने के लिए। तो आज साथ साथ में भाई दूज भी मैं मना रही हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे भाई दूज कैसे मनाया जाता है। तो आज भाई दूज के अवसर पे आप सबको मेरी तरफ से, आपको और आपकी फैमिली को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी क्या क्या होता है और कुछ इस दिन खाने के लिए बनता है तो भी मैं दिखाऊंगी। तो गाइस ठीक है, मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए और फिर मैं आपको मना करके और जो बन रहा है उसको मैं दिखाऊंगी। तो ठीक है, मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी माँ गोधन कूटने की पूरी तैयारी कर रही है। ये पता नहीं क्या क्या बना रही है। और यहाँ पे हम लोग रंगैनी का कांटा जो बोलते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसका पत्ता यूज़ करते हैं और कांटा। और ये कैस्टर का ये पत्ता हम लोग इसमें लेते हैं और चना और पता नहीं और कुछ कुछ रहता है वो सारे को लेते हैं। तो ये देखो, ये है मेरा। यहाँ माँ उसका पूजा कर रही है जिससे हम लोग को गोधन को कूटना है। तो हो गया मम्मी का पूजा। यहाँ पे क्या क्या करना है जल्दी बोले। सब में से चढ़ावा ये पूजा कर, गोवर्धन पूजा के दूरा पर बनैले ही। यहाँ मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या क्या कैसे पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी मेरे को गाइड कर रही है कि ये डालो। तो मैं उसके बताए जो बता रही मेरे को, मैं उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी ही वीडियो शूट कर रही थी, इसके वजह से प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पाया है यहाँ पर अच्छे से। तो आप देख सकते हो बस मेरा ही सर दिख रहा है और बाकी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। और यहाँ पे मेरा पूजा हो गया ख़त्म और अब हम लोग जो आगे का जो भी चीज़ होता है वो स्टार्ट करेंगे। और कुछ कुछ और भी लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे, जैसे चाची वगैरह हैं। तो ये देखना आगे। तो यहाँ पे हमारा गोधन कुटाना शुरू हो चुका है। आगे देखो अभी क्या क्या होता है इसमें। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखो, यहाँ मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी गोधन कूट रही हूँ। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सालों बाद मैं गोधन में शामिल हूँ। और यहाँ पे मेरी दीदी, चाची, भाभी सारे लोग यहाँ पे हैं। और ये है मेरी दीदी और उसका बेटा। कमेंट करके जरूर बताना कि बाबू कैसा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। दादी चल रही है, बोलोगी तो दादी ने बुझे कौन कर सकते हम बोला। अब दादी कह के पास जाते जमरा भोरा के ला दे के पार भेगी। अब कौन दे के ऊपर ऊपर भेगी। जमरा के जमरा भोरा के ला दे के ऊपर ऊपर पांच बार जमरा भोरा के दे दो ना दादी लड़ तो हार तोरो ना खा ला का धैला भाई बाप के रकत जमरा भोरा के रकत भाई भतीजा के रोग बला दादी के दादी के का धैला भाई बा हम तो बोली भी भुला दे गिला। जा दादी हमन के कैसे याद रही। यही 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 गीत खत्म। पास बार
तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं और अब ख़त्म होने को है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और मैं यहाँ पे यहाँ की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, सो डोंट माइंड। और यहाँ देखो, ये मेरी बेटी लगती है क्योंकि दीदी की बेटी हुई। तो यहाँ पे सब लोग इस पे चढ़ चढ़ के पार हो रहे हैं, और ये लास्ट जो है वो मम्मी कर रही है, पता नहीं इसमें क्या जोड़ती है वो, मेरे को नहीं पता। और ये देखो, कांटा गड़ा रही है अपने जीभ में, और उसके बाद इसमें से जो कूटा गया है उसमें से हम लोग चना उठाएंगे और अपने भाई को खिलाएंगे और कलावा बांधेंगे। ये देखो, यहाँ पे जितने लोग हैं सब यही कर रहे हैं। और यहाँ से छठ का गीत ये लोग शुरू कर दिए हैं क्योंकि कल से नहाए खाए है, छठ का स्टार्टिंग है। तो ये है मेरा भाई, और अब मैं इसको कलावा बांधूंगी और जो भी है चना वगैरह उसको मैं इसको खिलाऊंगी। और इस तरह मेरा भाई दूज होता है कंप्लीट। खाना जिसमें है दाल भरा हुआ पूरी, खीर और आलू गोभी का सब्जी। तो ये देखो, सब्जी है, ये खीर है, और वो दाल भरा हुआ पूरी है। और अब मैं जा रही हूँ खाने। और ये देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पुरानी परंपरा से चली आ रही है, ये जाता इसको बोलते हैं, जिसमें छठ पूजा के लिए गेहूँ पीस रही हैं मेरी मम्मी और चाची। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।